तीर्थ यात्रा से वापस आने ही वाली होंगी। अरे ये कहाँ चले गए? आप लोग चलिए, हम इन्हें बुला कर लाते हैं। ओम स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम् अग्ने नमः स्वाहा। आपको पता है, हमारी शादी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। पत्नी की रक्षा करना, पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य है। दुख की एक भी परछाई आने न दे। यही शादी का मतलब है और एक अच्छे पति का फर्ज है। तो अपने सारे वादे पूरे किए, पर अब तक मैं उन वादों को पूरा नहीं कर पाया हूं जो मैंने शादी के वक्त किए थे। विद्या, अब मेरी बारी है। विद्या, मेरी बारी। विद्या, मैं भी चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अरे अंधी हो गई है क्या? इतनी बड़ी मैं तुझे दिखी नहीं। मम्मा, आपको कोई मिसिंग कर सकता है भला? लेकिन मामा, आज मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ। अच्छा, क्या बात है? चीनू जी हमारे जाल में फंस गए क्या? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मामा, आज रात 10 बजे से जी टीवी पर सारेगामा पर चैलेंज आने वाला है। और उसमें वो हिमेश, वो टोपी वाला रेशमिया, वो आने वाला है। वो मेरा फेवरेट है। आपको याद है मामा, जब पहली बार बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर के लिए मुझे देखने आए थे तो मैंने हिमेश जी का ही गाना गाया था, वो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। और मामा, आजकल का लेटेस्ट चुप कर। क्या हुआ? अरे दीवारें टूटकर गिर जाएंगी। मामा, मैं कितना अच्छा गाती हूँ ना। और पता है मामा, मैंने ये भी सुना है कि सारेगामा पर चैलेंज का नया होस्ट आने वाला है, आदित्य नारायण। बड़ा क्यूट है, चीनू जी से भी ज्यादा। अच्छा, सच्ची क्या? चलो तो आज रात 10 बजे हम में से कोई टीवी के सामने से हिलेगा नहीं। और चल 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 जल्दी कर, वो ठकुराइन और बाकी के लोग भी आते ही होंगे। हाँ, और चल अभी तो दामाद जी को अपने तानों के तीरों से छलनी भी तो करना है। चल चल। अरे ठकुराइन जी, आप आ गई। अरे आपके बिना इस घर में बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा था। अरे आप भी आ गए। अरे आपके बिना तो घर बिल्कुल ही सूना था। ठकुराइन जी, दामाद जी और हमने पूरा खाना बना लिया है और सारा घर भी साफ कर लिया है। देखो ना कितना चमक रहा है भाई। घर तो वाकई बहुत साफ लग रहा है। हमें ये मानना पड़ेगा कि तुम लोग को घर बहुत अच्छे से रखना आता है। सुना दामाद जी,
चलो बच्चों, सब फ्रेश हो जाओ पहले। हाँ चलो चले। अरे दादा, कैसे हैं आप? बहुत मजा आया होगा ना? प्यार से कहते आप उनसे मिलने, ये जरूर विद्या ने सिखाया होगा कि हमसे बातें ना करें। आखिर हम लगते कौन हैं? चाहिए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। उठिए ना। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं बदलने, बाद में बदल लीजिए। लेकिन दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी, वापस आते समय आपने दवाई नहीं खाई ना। चलिए उठिए, ये रही आपकी दवाई। तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। पानी लाना, हम अभी ला रहे हैं। आपने खा ली बिना पानी के? हाँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अब मुझे पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे तो है ना?
आपके लिए वहां पर दवाई रख के आए थे, आपने खाई? सागर जरा दही पास करना प्लीज। सागर तुमसे कुछ कह रही हूं मैं, दही पास करो। सागर बेटा तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक तो है, कोई बात नहीं, चलिए आप अपने कमरे में चल के आराम कीजिए। आइए। अरे मैं खुद आ सकता हूँ। कूद कैसे झाड़ भाड़ती हूँ बेटा लल्लन, अब ये पूरा चक्कर मार के यहीं वापस लौटेगी मऊआ दीदी। हाँ तो जानता है ना क्या करना है? बहुत अच्छा। अरे ये क्या लेके आया, समझ गए ना बेटा क्या करना है? बस कर देना। हाँ बेटा चलो। अरे उधर नहीं, उधर, अरे सीधे हो जाओ। क्या आदमी है, जो मैंने देखा तुम्हें, जो मैंने जाना तुम्हें, जो मैंने देखा तुम्हें, जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके देखा देखो गया। अरे बोल ना जाने क्यों हमारे रास्ते बार बार एक दूसरे से काहे टकरा जाते हैं, क्या मतलब हो सकता है ये सब का? आप का सोचते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम ही बताओ तुम्हें क्या लगता है? बेड़ा गर्क हुआ इसका, फिर से लाइन भूल गया।
पता है तो अब हमें भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तेरे तो दो दिन से एक ही लाइन सिखा रहे हैं तुम्हें, और जब आयन मौका आया तो सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। भैया हम क्या करें, उका सामने आते ही हमार बोलती बंद हो जाता है। हमने याद करने की बहुत कोशिश की पर हमें कुछ याद ही नहीं आया ससुरा। देखा हमने देखा, पर अगली बार हम पार काट देंगे तुम्हारे अगर कुछ बोले तो। चलो निकल जाओ अभी यहाँ से। जात निकलो, जाओ। अरे भैया हर्ष, तू ससुरा तो इस तरह इस घर का दामाद कभी नहीं बन पाएगा। इसके लिए तो कुछ और सोचना ही पड़ेगा हर्ष बाबू, कुछ और सोचना ही पड़ेगा। तेरी चल, देखना मिस्टर ओशन, ये वोट भी मैं जीतूंगा। ये लीजिए नाश्ता आप लोग का, रख दो। वाओ मामी, आपने तो मिस्टर ओशन के फेवरेट पकोड़े बनाए हैं। गेम खेलो। मिस्टर ओशन क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने कहा ना तुम्हारी बारी गेम खेलो। माँ, सिंदूरा ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। हाँ छोटी माँ, अगर ये मीटिंग अच्छी रही तो बहुत जल्दी हमारी कंपनी उस दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर देगी। क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों साथ जाओगे तो मीटिंग जरूर अच्छी होगी। यस! मैंने चीटिंग नहीं की है। तूने चीटिंग की, चीटर। और आप लोग सब बहुत चीटर्स हैं, चीटर सब गंदे लोग हैं, यहाँ पे सब चीटिंग करें मेरे साथ। सागर प्रताप सिंह, मैं स्टूपिड ही हूं। आप लोग सब
चाहिए। सागर गौरव,